अल्लाह व बरकातहू। प्यारे बच्चों, मेरा नाम तस्नीम बानो शफीक अहमद है। प्यारे बच्चों, ऊपर दी गई वीडियो से आपने यह जान लिया कि हवा हमारे चारों तरफ फैली हुई है। आइए अब हम ये जानते हैं कि हवा की खसूसियात क्या है। प्यारे बच्चों, हमने जैसा कि ऊपर देखा कि हवा चारों तरफ मौजूद है, तो क्या आपको हवा दिखाई देती है? नहीं, आपको हवा दिखाई नहीं देती। तो फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम हवा को महसूस करते हैं, यानी कि अगर हमारे कपड़े हिलते हैं या दरख्त हिलता है तो हम ये जानते हैं कि हाँ, हवा चल रही है। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हवा दिखाई नहीं देती, यानी वो बेरंग होती है, उसका कोई भी रंग नहीं होता। प्यारे बच्चों, आप मुंह से भी सांस लेते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं। अगर हमें सर्दी हो जाती है तो हम मुंह का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो हमें जबान पर हवा का जायका महसूस होता है? बिल्कुल भी नहीं महसूस होता। इसका मतलब ये हुआ कि हवा बेजायका होती है, यानी इसका कोई भी जायका नहीं होता। प्यारे बच्चों, आते हैं हम खसूसियत नंबर 3 की तरफ। प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर कहीं इत्र की बोतल गिर जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ कहीं इत्र गिरा हुआ है? बहुत अच्छे, सूंघ कर, यानी आप किसका इस्तेमाल करें? नाक का इस्तेमाल करें। तो आपको पता चला कि हवा में खुशबू है किस चीज की? इत्र की। गुड। तो आप ये बताइए कि हम तो नाक से सांस बार बार लेते हैं, मुसलसल लेते हैं, तो क्या हमें हवा की खुशबू नाक के जरिए महसूस होती है? नहीं महसूस होती। इसका मतलब ये हुआ कि हवा बेबू होती है। तो बच्चों, ये हो गई हवा की खसूसियत। खसूसियत नंबर 1, हवा बेरंग होती है। खसूसियत नंबर 2, हवा बेजायका होती है। और खसूसियत नंबर 3, हवा बेबू होती है। तो प्यारे बच्चों, ये हुई हवा की खसूसियत। आइए अब हम ये जानते हैं कि अमल तनफ्फुस किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप ना चाहते हुए भी सांस लेने का अमल करते रहते हैं। हम सांस लेते भी हैं और सांस खारिज भी करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतराफ की हवा हमारी नाक के जरिए हमारे जिस्म के अंदर जाती है, और इसका मतलब ये हुआ कि इस अमल को हम कह सकते हैं सांस लेना, यानी अतराफ की हवा को नाक के जरिए जिस्म के अंदर लेना। अब आते हैं सांस का इखराज करना या सांस खारिज करना। तो प्यारे बच्चों, हमारे जिस्म के अंदर जो फासिद हवा तैयार होती है, हम उसे नाक के जरिए जिस्म से बाहर निकालते हैं या खारिज करते हैं, तो इस अमल को कहते हैं सांस खारिज करना। तो प्यारे बच्चों, जब सांस लेना और सांस का खारिज करना, ये अमल दोनों मिलकर कहलाता है अमले तनफ्फुस। अमले तनफ्फुस यानी अतराफ की हवा का सांस के जरिए जिस्म के अंदर लेना और जिस्म के अंदर की हवा को जिस्म से बाहर खारिज करना, ये कहलाता है अमले तनफ्फुस। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ अमले तनफ्फुस।